डायरेक्टर और निर्देशक सतीश कौशिक का गुरुवार तड़के निधन हो गया। वो 66 वर्ष के थे। 13 अप्रैल 1956 में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सतीश कौशिक का जन्म हुआ था। दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद सतीश ने एनएसटी में एडमिशन लिया था। 1983 में आई जाने भी दो यारो फिल्मों से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी। सतीश कौशिक ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। साल 1993 में रूप की रानी चोरों का राजा से बतौर निर्देशक उन्होंने अपनी पहली पारी शुरू की और इसके बाद एक दर्जन से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया। सतीश कौशिक के लिए 10 अगस्त खास होता है। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर इस बारे में बताया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि मैं एक्टर बनने के लिए 9 अगस्त 1989 को पश्चिम एक्सप्रेस से मुंबई आया था। 10 अगस्त मुंबई में मेरी पहली सुबह थी। मुंबई ने मुझे दोस्त दिए, काम दिया, बीवी दी, बच्चे दिए, घर दिया, प्यार दिया, संघर्ष भी रहा, सफलता भी मिली, असफलता भी हाथ लगी और खुशी से जीने का एहसास भी दिया। गुड मॉर्निंग मुंबई और उन सभी को जिन्होंने मुझे मेरे ख्वाबों से ज्यादा दिया, शुक्रिया। सबसे पहले अभिनेता अनुपम खेर ने सतीश कौशिक के निधन की जानकारी दी थी। खेर ने बताया था कि कौशिक दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पर थे जब उन्होंने बेचैनी होने की शिकायत की। खेर ने कहा कि बेचैनी महसूस होने के बाद कौशिक ने चालक से उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा। देर रात करीब 1 बजे उन्हें अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ा। सतीश कौशिक का DDU अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव उनके परिवार को सौंप दिया गया है। सतीश कौशिक को अभिनय में पहचान मिस्टर इंडिया फिल्म से मिली। इस फिल्म में उन्होंने कैलेंडर का किरदार निभाया था। अनिल कपूर के ज्यादातर फिल्मों में सतीश कौशिक नजर आए थे। उन्होंने हास्य के साथ साथ गंभीर किरदारों को भी निभाया। सतीश कौशिक को 1990 में फिल्म राम लखन और 1997 में फिल्म साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। सतीश कौशिक ने 7 मार्च को आखिरी ट्वीट किया था, होली पार्टी कर वो बेहद खुश थे और होली में शामिल होने वाले लोगों को खास तौर पर टैग किया था। सतीश कौशिक की खास बात ये थी कि वो उदास और निराश नहीं होते थे। सतीश कौशिक अक्सर रूप की रानी चोरों का राजा के फ्लॉप होने का मजाक भी उड़ाते थे। बोनी और अनिल कपूर भी सतीश कौशिक पर रूप की रानी चोरों का राजा के फ्लॉप होने को लेकर किस्से सुनाया करते थे। आपको बता दें कि रूप की रानी चोरों का राजा बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। इस फिल्म के फ्लॉप होने से बोनी और अनिल कपूर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी उनके रिश्ते सतीश कौशिक से हमेशा अच्छे बने रहे थे। सतीश कौशिक के निधन की खबर ने फैंस के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स को भी दुखी कर दिया था। सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि देते हुए कंगना रनौत से लेकर अनुपम खेर तक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। सतीश कौशिक को आप कैसे याद कर रहे हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ देश दुनिया के तमाम और छोटी और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।